बारे में बताइए, आज जो गुरु नानक जयंती हुआ, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया फतवा कबीर मठ में, और इसलिए मनाया गया कि वो महापुरुष थे और सबों के थे। सिख समुदाय के अलावा भी हमारे पूरे मानव समाज के वो गुरु थे, और यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। कहा गया कि गुरु नानक को दर्शन दिन्ना दोनों मिली परमार्थ किन्ना। 1506 में गुरु नानक देव जी पटना से राजगीर जाने के क्रम में यहाँ कई दिनों तक रुके थे। कबीर साहब के साथ कितने संतों का समागम हुआ था, और सब संतों की सहभागिता से कुआं बना, चाहे सामने कुआं है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, कबीर साहिब का। फिर 28 से 30 जून तक भी यहाँ कबीर सांप्रदायिक सौहार्द मेला लगने वाला है, जो पिछले बार लगा था मेला प्राधिकार से। पुनः फिर से 20 लाख रुपया का आवंटन का चिट्ठी आ गया है। कार्यपालक अभियंता ये सबों का रिपोर्ट वहाँ मांगा गया है, राजस्व विभाग हाँ। और कल्याण मंत्री भी आए थे रत्न सदा जी, और वो भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर भी है, और ये मठ के विकास के लिए हमेशा वो लगे हुए हैं। और छात्रावास के लिए यहाँ 72 करोड़ रुपया कई वर्षों से फतुहा प्रखंड में बनने के लिए जमा है। जमीन के कारण, जमीन न हुआ उपलब्ध, इस कारण वो नहीं बन रहा है, तो हम जमीन देने के लिए तैयार हुए हैं। यह जमीन में एक सार्वजनिक काम हो जाएगा, उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा, और यहाँ के स्थानीय विधायक और सब बिहार सरकार के मंत्री, खनन मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव जी ने भी यहाँ पर आज ही के दिन 600 मीटर का रोड बनाने का आज ही उन्होंने शिलान्यास किया, जो मेन NH 30 से मठ परिसर तक, यहाँ तक जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ तक PCC का ढलाई होगा, प्लस बगल बगल फुलवाड़ी लगेगा वो उन्हीं का फंड से, जो आज माननीय मंत्री जी ने वो किया, और रामप्रसाद जी, नेताजी ने भी 1:45 बजे फ़ोन किया, और हमारे दयानंद जी भी साथ में बैठे हैं, जो कल ही उनके साथ चर्चा चला था, लेकिन आज वो लिखा पढ़ी से पूर्ण हुआ। उम्मीद है कि बहुत जल्द बन जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं महंत ब्रजेश मुनि, आचार्य गद्दी, कबीर मठ फतुहा, पटना। दुनिया में अलग अलग धर्म हैं, जो कोई किसी संप्रदाय का मंदिर है, कोई किसी संप्रदाय का मंदिर है, तो सब मंदिरों का सम्मान और सम्मान नहीं है। लेकिन इस धर्म पर ये किसी संप्रदाय के मंदिर नहीं है, ये मानव मंदिर है। सबके लिए दरवाजा खुला है, सबका सम्मान है। और जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि मानवता का पैगाम है, सबके लिए एक जैसा दर्शन है, एक जैसा भोजन है, एक जैसा सम्मान है। ये गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु साहब ने हाँ, ये बात गलत है कि महापुरुषों को जैसे अभी आदरणीय जी ने बोला कि उस काल ने भी गायों के बोल करके जो कष्ट बताया गलाब का मन उसका होता है, गलाब सदा उसका दिखता है, इसलिए सुन जाने वाले लोगों का मुंह नीचा हो जाता है समय की धारा में, तो आपको अंतराय में पता चल जाता है। काका बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। बिहार सरकार के कल्याण मंत्री माननीय रत्न सदा जी और साजी गुरुद्वारा के माननीय जिलेकार मंदिर साहब जी, पत्रकार कुमार पांडे जी और प्रदेश मुनि जी, उपस्थित सभी सज्जनों देवियों, प्रदेश मुनि जी तो कबीर मठ के लिए प्रयास हमेशा प्रयास करते हैं, और इनके कार्यकाल में बहुत विकास हुआ, और ऐसे बीच बीच में आप सभी लोग हुए,
और लेकिन मैं भी माननीय मंत्री जी के जो आप न्यास बोर्ड में भी अहम भूमिका निभाते हैं तो फिर नई कमेटी बनने वाला है हाईकोर्ट के आदेश से, तो उस पर भी ध्यान देंगे। और ब्रजेश मुनि जी, मरुण कुमार पांडे जी और हमेशा गुरु नानक साहब के किसी भी अवसर पर सिख संप्रदाय के जो भी पर्व आता है यहाँ दत्तगार साहब आते हैं और हम लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। हम लोग ग्रहण करके श्री नारायण जी ब्रजेश साहब जी मठ के विकास के लिए हमेशा देख रहते हैं, यहाँ से लेकर सेंटर तक जहाँ भी मौका मिलता है मठ के लिए। आज के इस प्रकाश पर्व पर ज्योति प्रकाशित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ज्योति झिलमिला मीनबाती चौधरी करो अर्पण श्री गुरु चरणों में नाशे विघ्नापार नाशे विघ्नापार। आज बड़ा ही परम आनंद का यह दिवस है कि आज गुरु नानक देव महाराज जी का 595वां प्रकाश उत्सव का आयोजन कबीर मठ फतवा में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर राज्य के माननीय मंत्री श्री रत्नेश सादा जी एवं तख्त श्री हरिमंदिर साहेब के विश्व प्रसिद्ध जत्थेदार श्री ज्ञानी रंजीत सिंह गोहेर जी एवं आचार्य गद्दी कबीरपीठ फतवा के परम पावन आचार्य श्री महंत श्री ब्रजेश मुनि महाराज जी एवं सोनपुर के मठाधीश तपसी साहेब जी एवं कटैया घाट के महंत श्री राम सुंदर शरण जी महाराज जी एवं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी एवं राजद के चुके हैं और यहाँ जो भी गुरु गुरु जब पूरा तेरो तब बंदगी कबीर नाम युगे स्वामी हरि दुखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम चरणारविंदम सततम नमामि नमः सद्गुरुदेवाय नमः मंगल रूपिणे नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमः अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चरणानन्दम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तो गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदगुरु कबीर साहेब साहेब की दास की ज्ञानी दास की केशव दास की महंत केशव दास की महंत गणेश दास की कबीर साहेब की वाजीवा की कबीर साहेब की अरुण पांडे जी कहाँ गए? अच्छा आइए बोल रहे कुछ जय हो ठीक है।
मन से सब सुंदर करेंगे। मानव के देश मानवता की आजाद करने वाले भाई भाई बलराम सिंह और आज का दिन जो है मदर साहब की ऊपर चर्चा होने से नानक जी महाराज जब पूरे देश नहीं पूरे विश्व भ्रमण कर रहे थे नानक समाज के प्रति आपसी भाईचारा प्रेम को फैलाने के लिए उसी दरिया में मक्का दिन मक्का दिन देव महाराज शाम का समय था क्योंकि मौका तो नहीं मिलते थे सब ये शाम का भेजन सर्क नदी हवा आराम करना